ओके वी वर लुकिंग इनटू दिस पार्ट ठीक है क्यू में इंसर्ट इंसर्ट करना तो लेट मी कोड दिस पार्ट एंड देन वी विल अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स ठीक है तो so, वही हाँ बोलो सर अगर ये डिलीट होगा तो आगे जो जो मतलब जो, जो पीछे वेरिएबल है वो जो वैल्यू है वो आगे शिफ्ट हो क्यों होगी शिफ्ट क्यों होगी इसमें क्योंकि इसमें तो, इस तो एंड से so, वही तो प्रॉब्लम है, है? वो वो प्रॉब्लम है यही इसकी प्रॉब्लम रह जाएगी जो हम लोग आगे देखेंगे चलो वो पार्ट भी मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा है ना ठीक है यहाँ पे ये वाली ये वाली प्रॉब्लम जो है ये वाली प्रॉब्लम इसमें यही है कि जब एक बार फुल हो गया ये रियर यहाँ पे आ गया फ्रंट अभी भी यहीं पे है, है ना अब भले ही ये प्लेस खाली है लेकिन हम इसको फिल नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि इंसर्ट करने के लिए कंडीशन ये है कि r इक्वल टू q साइज 1 पे अगर पहुंच गया तो नहीं कर सकते इसी प्रॉब्लम को हम आगे जाके एक सर्कुलर क्यू मेथड से रिमूव करेंगे ठीक है अब वो देखेंगे हम लोग कि अगर इस स्पेस खाली रह गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं नहीं मैं अभी बस एक सिंपल क्यू okay. को ना इंप्लीमेंट करके दिखाना चाहता हूं सो दैट कि एक पहला आइडिया हमारे पास आ जाए कि क्या हो, चल क्या रहा है है ना? तो आज मैं एक जनरल एरे लेके करूंगा और इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश इट बाय यूजिंग डायनेमिक मेमोरी लोकेशन ठीक है जिनको डायनेमिक मेमोरी लोकेशन नहीं समझ में आया है उन्हें मैं आज इवनिंग के सेशन में बता दूंगा ठीक है

पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ ठीक है अभी देख रही होगी हम्म yeah. mm -hmm. ठीक है नाउ सबसे पहले मुझे एक एरे लेना होगा सो so मैं ले रहा हूं इंट ए ऑफ टेन ठीक है टेन साइज का मैंने एरे लिया और और इस एरे के साथ साथ मुझे दो फ्रंट और रियर पॉइंटर भी रखने होंगे ठीक है और डिक्लेरेशन के साथ साथ फ्रंट इक्वल टू माइनस वन क्यों क्योंकि मेरा

इसको इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ mm -hmm. अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा है ना एरे को डायरेक्टली मैं प्रिंट करने के लिए ये यूज कर रहा हूँ ये मैं इधर ठीक है ये एक फंक्शन है एरे को प्रिंट करने का ठीक है जिसको मुझे एरे और उसका साइज पास करना होता है तो साइज इज नथिंग बट टेन तो so, देखो अभी कुछ भी नहीं किया एक सिंपल एरे क्रिएट किया और फ्रंट और रियर कुछ माइनस वन पे रखा हो और मैं उस एरे को प्रिंट कर रहा हूँ ठीक सो लेट मी प्रिंट एरे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड नो ऐसा कुछ ये वाला बात ठीक है क्या बोल रहा है अनडिफाइंड तो ये रहा अनडिफाइंड रेफरेंस टू रहा है एरे डिक्लेयर किया ये कोड क्या है एरे को प्रिंट करने का एक को बस प्रिंट करने का कोड है तो ए में रेंडमली कुछ भी वैल्यू ये प्रिंट जो पहले से मेमोरी में रखी रही होगी ना उस वैल्यू को ये प्रिंट कर रहा है है ना हमें इसको सबको जीरो से पहले सेट करना है वही मतलब है एरे होने का मतलब नहीं भी सेट करें जीरो से एरे मतलब का तो ये है कि फ्रंट और रियर अगर माइनस वन पे है, मतलब अभी हम कोई एलिमेंट डाल ही नहीं रहे इसमें फाइन तो अपना काम क्या है एरे क्यू में इंसर्ट करने का तो क्यू में इंसर्ट करने से पहले हम लोग दो फंक्शन लिखेंगे क्यू को चेक करने का कि क्यू फुल है या फिर क्यू एम्प्टी है ठीक है तो वी विल सी वाइड मैं लिखता हूं इज फुल फंक्शन ठीक है एक और एक फंक्शन लिखता हूं मैं एमप टी का इज एमपटी ये कोई ऐसा नेमिंग नहीं है मैं बस ऐसे ही नेम रख दिया आप इसको ऐसा रख सकते हो Q Q U U E U, E Q is full function है ना या चेक फॉर फुल जो भी आप रखना चाहो सो so, मैं ऐसा कुछ इन नहीं नहीं मेरा फुल कब होगा अपने पास तो सबसे पहले इसको क्या देना होगा इसको इसको पता होना चाहिए एरे ठीक है और इसको पता होना चाहिए साइज <coughs> और इसको पता होना चाहिए कि फ्रंट कहाँ पे है और रियर कहाँ पे है सेम पैरामीटर हमारे पास इसमें भी होगा है ना अगर हमारा क्यू फुल है, है ना तो होना क्या चाहिए इफ जो आ, रियर की वैल्यू है अगर वो साइज के बराबर हो जाए साइज माइनस वन हो जाए है ना तो ये एक मैसेज देगा प्रिंट या फिर ये इधर से रिटर्न करेगा कुछ जो भी करे अभी मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट एफ क्यू इज सॉरी क्यू इज फुल है ना और ये मैसेज देगा तो मैसेज मैसेज की तरह थोड़ा दिखना चाहिए है ना स्लैश ले लेता राइट सो right. so, ये ये मैसेज प्रिंट करेगा अगर ये क्यू में ऐसा कोई केस होगा तो और के केस में क्या होगा एमपीटी कब होगा इफ मेरा फ्रंट पे है माइनस वन पे है एंड रियर इक्वल टू माइनस वन अगर ये दोनों ही कंडीशन है इट मींस कि हमारा क्या है empty है है ना न प्रिंटर प्रिंटेफन आमप टी राइट है ना इसमें किसी को दिक्कत है अभी तक के कोर्ट में मे, मेना मेन प्रोग्राम में भी इतना ही है अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है ये तो मैं अलग अलग टाइप के फंक्शन बना रहा हूँ फुल होने का केस क्या है एमपटी होने के केसेस क्या है और ये प्रिंट करने का फंक्शन है इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें किसी को हुआ अभी तक पूछो अश्विन शर्मा हाँ पूछो कौन पूछ रहा था अरिहंत भारती देखो बेटा सर, अभी हाँ, अभी साइलेंट नहीं रहना ठीक है ना पूछते रहने से चीजें क्लियर होंगी मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ तुमने अभी पिछला सेशन किया था भारती सर, किया था हाँ, तो क्यू अगर फुल होगा तो क्या होगा रियर होगा पूरे लास्ट एंड पे और एम होने से क्या होगा फ्रंट और रियर जो दोनों ही होगा वो माइनस वन पे होगा ठीक यही चीजें हम लोग अभी मिमिक कर रहे हैं नो फाइन अभी हमें इंसर्ट करना है है ना तो पहले तो जो इंसर्ट करने के लिए तो कुछ एलिमेंट चाहिए तो यूजर को मैं बोलूंगा है ना तो इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना एक फंक्शन ही लिख लेता हूं कि इंसर्शन के लिए ठीक है तो वाइड ठीक है आ, इंसर्ट इनटू क्यू या फिर इसका नाम रखता हूं मैं nq ठीक है nq एक फंक्शन लिखता हूँ और इसमें मैं इंसर्ट का कोड लिखता हूँ पहले इंसर्शन के लिए हमें चाहिए क्या पहले इंसर्शन के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए एरे चाहिए उसका साइज चाहिए उसका फ्रंट और रियर कहाँ पे है ये सारी चीजें चाहिए हमें ठीक है तो इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या फुल है क्या एरे है ना तो फुल होने से हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं है ना तो यहाँ पे मैं प्रिंट करने के साथ साथ ये फंक्शन क्या रिटर्न करे कुछ वैल्यू रिटर्न करे रिटर्न मतलब फुल है ठीक है और अगर ये वन रिटर्न कर रहा है तो इसका टाइप इंटीजर हो जाएगा ठीक है और एमपीटी वाला भी क्या करे रिटर्न वन मतलब ये अगर वन मिलेगा ना इसके रिटर्न में तो मैं समझ जाऊंगा कि ये फुल है या ये एमपीटी है ठीक है तो nq करते समय मैं क्या चेक करूंगा इफ मैं यहां पे लिखूंगा इज uh, फुल ये जो है इज इक्वल टू इक्वल टू अगर ये मुझे रिटर्न करके दे रहा है क्या वन देखते हैं अभी तक का कोड मेरा गलत तो है नहीं मी राइट इट क्या आ रहा है सेमी कलन ठीक है यहाँ पे क्या आ रहा है का, है ना? Right. यहाँ पे क्या आ रहा है एल वैल्यू रिक्वायर्ड एफ इज इक्वल टू इक्वल टू एंड equal टू इक्वल टू ठीक है ये भी करेक्शन कर दिया ठीक है नाउ इट इज वर्किंग ठीक ऊपर आते हैं फिर से तो अगर ये मैंने किसको कॉल किया इंसर्ट करते समय इंसर्ट इंसर्ट फंक्शन फंक्शन है ये। इंसर्ट में मैंने चेक कर रहा हूँ कि फुल है कि नहीं तो मैंने क्या कॉल किया इज वन कि है या तुम लोगों को अगर ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना तो मैं इसको थोड़ा और सिंपल बनाता हूँ है ना मी मेक इट मोर सिंपल इसको हटाता हूं मैं ना? और लेट मी रिमूव दिस पार्ट आल्सो एंड लेट मी रिमूव दिस पार्ट आल्सो बट पेस्ट तो फुल में मैंने चेक किया कि अगर ऐसा है तो फुल हो जाएगा एल्स मैं इंसर्ट कर सकता हूं अभी क्लियर हो रहा होगा ना ये मैं इसको भूल जाऊ ये सब की जरूरत नहीं है मैं ठीक है तो इंसर्ट करते समय मैं चेक करूंगा कि अगर रियर माइनस क्यू साइज माइनस वन पे है तो क्यू फुल है अदरवाइज मैं इंसर्ट कर सकता हूँ अदरवाइज मैं क्या करूंगा आर इक्वल टू आर प्लस वन रियर इक्वल टू रियर प्लस वन एंड ए ऑफ रियर इक्वल टू ए ऑफ सॉरी वो वाली एलिमेंट जो मुझे इंसर्ट करनी है तो ये एलिमेंट को भी मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा इंट ई e, है ना और ई e को लेने से पहले मुझे यूजर को बोलना पड़ेगा कि एंटर द एलिमेंट टू इंसर्ट है ना तो ये तो तब होगा ना जब हमारा क्यू खाली हो अगर क्यू खाली है कोई जगह है तो मैं यूजर को बोलूंगा प्रिंट क्या करो तुम एंटर करो एंटर ए वैल्यू टू इंसर्ट ठीक है इंसर्ट करने के लिए एक वैल्यू रखो अगर उसने वैल्यू रखी तो मैंने रियर को बढ़ा दिया और रियर को बढ़ा देने के बाद उस नए रियर पॉइंट पे मैंने इस वैल्यू को जाके रख दिया ठीक है ये वाला पार्ट मेरे हिसाब से इतना डिफिकल्ट नहीं होगा तुम्हारे लिए मैं यहाँ एनक्यू फंक्शन को रन करता हूँ ठीक है और एन क्यू में मुझे क्या क्या पास करना पड़ेगा एरे ए पास करना पड़ेगा साइज टेन पास करना पड़ेगा और मुझे फ्रंट को पास करना पड़ेगा मुझे रियर को पास करना पड़ेगा और मुझे एक एलिमेंट पास करना पड़ेगा नहीं एलिमेंट पास नहीं करना है वो ऑटोमेटिकली यूजर से स्कैन होके आ रहा है है ना कहां पे आ रहा है यहाँ आ रहा है यूजर से वैल्यू तो हमने अभी तक स्कैन किया ही नहीं है स्कैन एफ एमसेंट डी ठीक है तो ई e को हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा इंट ई e, एक एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं हो क्या रहा है जब भी मैंने इनक्यू फंक्शन को कॉल किया एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ पहले चेक कर रहा है कि रियर जो है वो आ, फुल तो नहीं है फुल नहीं होने पे अगर फुल है तो ये मैसेज प्रिंट कर रहा है फुल नहीं होने पे पार्ट में यूजर से एक वैल्यू मांग रहा है और उस वैल्यू को रियर को एक इंक्रीज करके उस पॉइंट पे जाके इंसर्ट कर दे रहा है ये पार्ट क्लियर है या कोई डाउट है ये पूछो ये नहीं अगर मेजोरिटी को डाउट है ना तो मैं 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 और बेस्ट कोड बता सकता हूं मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को अरे आ रही है बात कुछ इसलिए मैं अलग तरीके से लिया इसको और फ्रेंकली लिखा करो यस और नो है ना यू कैन राइट इन चैट बॉक्स एवरी वन रखर इज क्लियर हुसैन इज क्लियर मैं नाम नहीं लूंगा इफ इट इज नॉट क्लियर किसी का भी ठीक है ठीक है समा का रिस्पॉन्सराग ने कहा ठीक है मेतुल. सर ना बेस्ट बता रहे हैं ना आई वांट टू नो दैट सर आप और बेस्ट अश्विन शर्मा ओके ठीक है ठीक है टू फोर्टी के लेक्चर्स में मैं देख रहा हूँ कि कुछ माइनरी माइनर प्रॉब्लम भारती आपका कोई रिस्पांस नहीं आया भारती धैर्य एंड बहुत सारे बच्चे हैं प्रखर नॉट गेटिंग योर रिस्पांस सर एक बार और रिपीट कर दीजिए कहाँ से रिपीट करो बेटा ये बताओ सर रिपीट मतलब पूरा कोड नहीं, नहीं पूरा कोड नहीं कर सकता आपको 240 में आना 240 वाले लेक्चर में तभी मैं क्लियर कर सकता हूँ ठीक है अरे पढ़ के आओ थोड़ा सा पूरा कोड रिपीट करना इज नॉट पॉसिबल रनिंग लेक्चर्स पे ठीक है एनीवे तो ये मेन पार्ट था यहाँ पे हमने एनक्यू के लिए रखा ये इज एम uh, वाले कोड को भी मैं अभी हटा ही दूंगा आगे चल के इसकी भी जरूरत नहीं है इनफैक्ट मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है और ये एरे को प्रिंट करने का कोड है बहुत बहुत सिंपल नीट एंड क्लीन कोड है अभी ये मैंने एरे को कॉल किया है ठीक है ये एन क्यू फंक्शन को कॉल किया है देखते हैं क्या होता है अनडिफाइंड रेफरेंस टू ई एन क्यू यू ई एन क्यू यू सॉरी सॉरी मैं इंसर्ट ही फंक्शन रखता हूँ insert into q ठीक है बहुत सिंपल था नाम रखता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हुँ. ये बहुत हेवी नेमिंग हो जाती है ठीक है मैं बहुत सिंपल कोडिंग कर रहा हूँ राइट ओके सो ये देखो अभी अभी क्या था? ये इसने क्या क्या था इसने इसने दिया इसलिए बोला enter value to insert, क्योंकि क्योंकि तो Q जो है वो full नहीं है Q क्या है हमारा totally empty है वो नहीं हमारा एफ और आर माइनस वन पे है क्यों जब आर को इसने चेक किया होगा तो इसको आर की वैल्यू फाइव नहीं मिली होगी आर की वैल्यू क्या थी माइनस वन तो माइनस वन इक्वल टू इक्वल टू फाइव नॉट ट्रू नॉट ट्रू तो एल्स पार्ट में गया और बोल रहा है, एक वैल्यू इंसर्ट करो तो वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ मैं बान इफ वी रिविजलाइज सो यहाँ देखो मैं फोर को रखता हूँ एंटर करता हूँ ये देखो इस पॉइंट पे एट था अभी फोर इंसर्ट हो गया ना आ गया ना फोर Yes, है ना सो इंसर्शन इस इंसर्शन हो रहा है अपना है ना मैं अगर मल्टीपल टाइम्स इस इंसर्शन कोड को रन करूं तो देखो क्या होगा बाद में हम इसको मेन्यू में रख देंगे मैं थ्री टाइम्स इंसर्शन कोड को रन कर रहा हूं तो हो क्या रहा है फोर इंसर्ट किया फिर से मैं फाइव इंसर्ट किया और सिक्स इंसर्ट किया ओ क्या क्या मिस्टेक हो रहा है अपने से मिस्टेक ये हो रहा है कि इंसर्ट पहले ही प्लेस पे हो रहा है पुरानी वैल्यू को ये याद नहीं रख पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात है ना इंसर्ट तो हो रहा है क्या होना चाहिए फोर फाइव सिक्स लाइन से तीनों ही वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हो रहा है कहीं कही ना कहीं ऐसा क्यों हो रहा है एनी क्लू एनी वन सो बिकॉज़ डिलीट का भी कोड नहीं है उसमें नहीं नहीं डिलीट के कोड की बात ही नहीं है एनीवन बताओ डिलीट तो कर ही नहीं रहे ना हम तो बस इंसर्ट कर रहे हैं अच्छा ये किसके कारण हो रहा होगा जस्ट जस्ट गेस राजी के लिए सर ये जो एल्स में फंक्शन लिखा का है उसके कारण एल्स में जो क्या लिखा हमने तो ये इसके नेक्स्ट के नीचे आपने लिखा है ना कि e की वैल्यू a of r में जाएगी तो r की वैल्यू तो जो स्टैटिस्टिक है उसमें ही जाएगा ना वो हाँ एक्चुअली r की वैल्यू के कारण हो रहा है जब मैंने फर्स्ट टाइम इंसर्ट q फंक्शन को कॉल किया है तो वो क्या हो रहा है ये r की वैल्यू जो -1 यहां पे जा रही है और ये -1 चेक हो रहा है और जीरो पे जाके इंसर्ट कर रहा है लेकिन क्या ये आर के वैल्यू जो हम यहां अपडेट कर रहे हैं वो यहां भी अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है इसको अगर हम चेक करें ना बार-बार वी कैन सेट ए प्रिंट फंक्शन यहां पे और हम लोग टेस्ट रन कर सकते हैं और टेस्ट रन करके हम आप चेक कर सकते हो नहीं हो रहा है वैल्यू हम लोग इसको चेक करके देखते हैं है ना टेस्ट टेस्ट पॉइंट लगाया मैंने एक ठीक है टेस्ट पॉइंट में मैं आर की वैल्यू ले रहा हूँ right? अब इस टेस्ट पॉइंट को मैं हर फंक्शन के जितनी बार भी हम मैंने कॉल किया है इंसर्शन, इतनी बार मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ राइट सो देखो हर बार ये क्या देगा माइनस वन ही देगा जबकि उसको तो आगे बढ़ना चाहिए थाल्यू माइनस वन फाइव अभी भी आर की वैल्यू माइनस वन सिक्स अभी भी आर की वैल्यू माइनस वन जबकि इसको अपडेट होना चाहिए था क्यों नहीं अब ये कैसे अपडेट होगा अगर हम इसे कैसे पास करें अगर हम इसका इसको कैच करें इसका एड्रेस है ना एक ये तरीका है अपने पास है कि नहीं बोलो ये yes. है ना आ, और और कोई तरीका है अपने पास इसके अलावा एनीथिंग एल्स बहुत सिंपल इससे भी सिंपल आइडिया मैं पूछ रहा हूं आर की वैल्यू कर सकते हैं लूप क्यों सिंपली आर की वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं हम लोग है ना यहाँ इसको टाइप को एंट कर दो और फाइनली जब तुम्हारा फंक्शन खत्म हो रहा है ना तो रिटर्न कर दो किसको आर को और यहाँ पे इसके रिटर्न में आर की वैल्यू को अपडेट कर लो जितनी बार भी रिटर्न आ रहा है ना आर की वैल्यू को ले लो आर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी अपडेट हो जानी चाहिए मी चेक ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है या फिर और कहीं इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो फोर अभी क्या आर की वैल्यू जीरो आर की वैल्यू वन सिक्स आर की वैल्यू टू चेंज हो रही है ना आर की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है क्योंकि जब ही इसने इंप्रूव किया पहला कॉल कब आया ये वाला कॉल इस कॉल के बाद आर की वैल्यू इंक्रीज हुई और उसने आर की वो बढ़ी हुई वैल्यू को रिटर्न किया जिसको हमने कहा स्टोर किया इस आर में स्टोर किया अब ये आ वाला आर यहाँ पास हो रहा है ना कि ये वाला आर पास हो रहा है अब आर की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है अब ये आर इसलिए तो यहाँ की आर की वैल्यू अब इसमें प्रिंट हो रही है है ना समझ में आई बात यस सर हम्म चलो मैं इस पार्ट को अभी तुम लोगों को देता हूँ इसको खुद से कोड करो एज सिंपल एज पॉसिबल इसको डायनेमिक मेमोरी लोकेशन से जिन्हें आ रहा है वो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन से कीजिए जिन्हें डायनेमिक मेमोरी लोकेशन नहीं आ रहा है वो इसी प्रोग्राम को मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाइए यानी बार बार जो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ना तो उस दिन जो मैंने स्विच केस बताया था एरेक स्टैक वाला है ना ये कोड आपके ग्रुप में रखा हुआ है इस कोड को देखिए मैं फिर से इस कोड को भेज दे रहा हूं और इसको आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाइए कुछ भी नहीं करना बहुत सिंपल है मैं ग्रुप में भेज रहा हूं तुम तो लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हो तो मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि क्या किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है फिर एक महीने बाद बोलोगे कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया ऐसा कैसे चलेगा मैं दोनों ही स्टैक और क्यू के प्रोग्राम को ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ ठीक है जस्ट चेक इट आउट ठीक है 240 के सेशन में आइए जिनको भी डाउट है अपने अपने डाउट लेके आइए है, है? तो ना अपने -अपने ये ये इसमें ठीक है मैं फिर भी कुछ पार्ट में हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी मैक्सिमम होगा ये प्रोग्राम दूसरे मेथड में बना सकते है ना ये तो दूसरे मेथड का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ

इतने दिनों के बाद अगर बाकी बच्चों सबको बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपको ये सब पार्ट क्लियर नहीं हो रहा है मतलब आ, सी प्रोग्रामिंग आपने अच्छे से नहीं पढ़ी ठीक है आपका सी प्रोग्रामिंग कमजोर है आपके पॉइंटर्स कमजोर है आपके एरे कमजोर है है ना एरे पॉइंटर्स इसको क्लियर कीजिए जितनी जल्दी हो सके नहीं क्लियर होने से डेटा स्ट्रक्चर आपका कुछ नहीं समझ में आने वाला है और डेटा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तो एल्गोरिदम में आपका फोर्थ सेमेस्टर में यही हाल होने वाला है एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तो इंटरव्यू में आप कुछ भी जवाब नहीं दे पाओगे क्योंकि वहां तो मोर ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं है ना तो प्रोग्रामिंग में आप स्ट्रांग हो नहीं पाओगे क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आपको आता नहीं रहेगा फिर फिर नो डेटा स्ट्रक्चर नो जॉब सिंपल ठीक है तो अपने एरो पॉइंटर को स्ट्रांग कीजिए डाउट है तो मेरे से पूछिए 240 में अभी बैठ के पढ़िए जो मैंने पार्ट दिया इसको कंप्लीट कीजिए जिनको ये मुश्किल लग रहा है वो एरे पॉइंटर के चैप्टर वो जो लेटर सी का बुक दिया मैंने उससे पढ़िए और चैप्टर्स के पॉइंट मुझसे पूछिए ऐसे नहीं कि सर ये पूरा चैप्टर समझा दो ठीक है